ट्रैक्टर से करते हो प्यार तो ट्रैक्टर ज्ञान को सब्सक्राइब करो ना यार, और हाँ घंटी बजाना मत भूलना। हेलो नमस्ते सत श्री अकाल, ट्रैक्टर ज्ञान में आपका स्वागत है। कुछ ट्रैक्टर ऐसे होते हैं जिन्हें परिचय की जरूरत नहीं होती। महिंद्रा का अर्जुन नोवो उनमें से एक है। आगे हम बात करेंगे अर्जुन नोवो 605 GI के PS मॉडल की और जानेंगे लुक्स, फीचर्स और कीमत में कहाँ टिकता है ये ट्रैक्टर। इसकी राउंड रैप हैलोजन लाइट, स्टाइलिश ग्रिल, बैटरी के बॉक्स पर लाल कलर की पट्टी, ट्रैक्टर पर बैठने के लिए साइड हैंडल और बोनट पर लगा हुए स्टिकर इसके लुक को मॉडर्न बनाता है। अब बात करते हैं इसकी इंजन की। इसमें 52 हॉर्स पावर 3531 cc का इंजन 4 सिलेंडर के साथ दिया गया है जो 2100 rpm पर काम करता है। इसके बोनट में लॉक नहीं दिया गया है जो जॉन डीयर सोनालिका के ट्रैक्टर में देखने को मिलता है। इसकी बोनट ग्रिल में बारीक जाली लगी हुई है जो स्टोरी पर कटर, थ्रेसर जैसे इम्प्लीमेंट चलाने पर बारीक भूसा और धूल को अंदर जाने से रोकती है। इसमें ड्राई टैप एयर क्लीनर जो अपनी कैटेगरी के ट्रैक्टर में सबसे बड़ा है, जो इसे बार बार साफ करने से छुटकारा देता है। इसके रेडिएटर के ऊपर भी एक बारीक जाली लगी हुई है जो इंजन को दोहरी सुरक्षा प्रदान करती है। बड़ा टायर ट्रैक्टर की जमीन पर पकड़ ज्यादा मजबूत बनाता है। इस ट्रैक्टर में दोनों टायर बड़े दिए गए हैं, जहां आगे का टायर 750/16 का और पीछे का टायर 1428 के दिए गए हैं। इसका 2145 mm का व्हील बेस और 3630 mm की लंबाई इस ट्रैक्टर की अलग मौजूदगी दिखाता है। इसमें आगे और पीछे के टायरों की चौड़ाई अपनी जरूरत के हिसाब से घटाई जा सकती है। इसके साथ ही इसके मड गार्ड को भी एडजस्ट किया जा सकता है। अब चलते हैं इसकी सीट पर। सीट से देखने पर इस ट्रैक्टर का लुक काफी आकर्षक बनाया गया है। नई स्टाइलिश पावर स्टीयरिंग, साइड शिफ्ट गियर, बड़ा फ्लैट प्लेटफॉर्म, मोबाइल चार्जिंग, कार जैसे लाइट स्विच के साथ ही एक चीज जो आपका ध्यान खींचती है वो है इसका डैशबोर्ड, जिसमें डिजिटल मीटर, स्पीड के साथ ही सर्विस, एयर फिल्टर साफ करने जैसे इंडिकेटर दिए गए हैं। इस ट्रैक्टर में सिंक्रोनस गियरबॉक्स दिया गया है जिसमें 15 फॉरवर्ड और 3 रिवर्स गियर जो हाई, मीडियम, लो के साथ आते हैं। साथ ही इसकी 32 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिकतम अगली स्पीड इसे रोड पर भी बेहतर बनाती है। इस नोवो ट्रैक्टर में 306 सेंटीमीटर का बड़ा ड्यूल क्लच के साथ ही सादा और तेल में डूबे ब्रेक का ऑप्शन दिया गया है। इसमें डिफरेंशियल लॉक दिया गया है जिससे ट्रैक्टर के फंसने पर दोनों पहियों को एक समान स्पीड से घुमाया जा सकता है। लुक्स और इंजन के बाद अब बात करते हैं इसके काम की, यानी कि इसके PTO और लिफ्ट की। इसका PTO HP 45 है जो PTO ड्रॉप के लिहाज से देखें तो थोड़ा कम है। इसमें 540 और 540 इकोनॉमी PTO के साथ ही रिवर्स PTO का ऑप्शन भी दिया गया है जो PTO को दोनों तरफ घुमा सकता है। इसमें PTO चलाने के लिए अलग से PTO क्लच दी गई है। इसमें फ्रंट PTO का ऑप्शन भी दिया गया है। एक समान जुताई और बीज बोने के लिए इसमें स्विंग लिफ्ट दी गई है जो 2200 किलोग्राम तक का वजन उठा सकती है। साथ ही इसका 40 लीटर पर मिनट का पंप फ्लो अपनी कैटेगरी में अच्छा कहा जा सकता है। हमारे आज के अनुभव से इसका दमदार इंजन, सुंदर लुक्स, 18 स्पीड ऑप्शन, 400 घंटे का बड़ा सर्विस अंतराल इस ट्रैक्टर को दूसरे ट्रैक्टर से अलग और बेहतर बनाता है। अगर आप 50 HP के आसपास का ट्रैक्टर लेने का सोच रहे हैं और आप खेती के साथ साथ व्यावसायिक उपयोग भी करना चाहते हैं तो ये ट्रैक्टर आपकी लिस्ट में जरूर होना चाहिए। चलिए अब आते हैं सबसे जरूरी बात पर, यानी कि इसकी कीमत। इस ट्रैक्टर की कीमत है 770,000 रुपए, जो इस फीचर से लोडेड ट्रैक्टर के लिए सही कही जा सकती है। अगर आपको हमारा ये रिव्यू पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर करें। अगला रिव्यू आप किस ट्रैक्टर का देखना चाहते हैं कमेंट करके हमको जरूर बताएं। मिलते हैं बहुत जल्द एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।